Assalamu alaikum, kem cho, sasrikaal, kyo ro, wale, kase kai, namaste, kem ho na cho, and welcome to Big Boss OTT review with me, Amir Ansari. Kya ho raha hai mera bhai? I mean, literally speaking, this season of Big Boss OTT is a banger. Trust me on this one, blockbuster right from the first minute till the 1 hour 25th minute mark. Itna entertaining season. Siddharth Shukla ke baad ab dekhne mil raha hai. Guys, everyone is a cannon. Waiting to be burst. वो कहते हैं ना कि सबसे कमजोर भी यहाँ पर अपनी कमजोरी में महानता दिखा रहा है एंड जो बलवान है वो अपने मुंह की बलवानता एंड शारीरिक बलवानता से महान बनने की कोशिश कर रहा है. एवरी कंटेस्टेंट इज प्योर गोल्ड अनोइंगली एंड कैसे भी जाने अनजाने में दे आर मेकिंग दिस शो अ ब्लॉक बस्टर दिस टाइम. एस्पेशली कंटेस्टेंट सच एज प्रतीक सहजपाल, मूज जट्टाना एंड निशांत, दीज थ्री आर जस्ट लाइटिंग अप द स्टेज ऑफ द शो. चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं. वेल फ्रेंड्स, आज शुरू हुआ एक नया डिबेट यानी के टाटा एंड बाटा. बाटा यानी के यू नो दूसरे ग्रुप एंड टाटा यानी के द एलीट ग्रुप यू नो ऑफ नेहा भसीन और मिलिंद गावा ऑफ जीशान एंड शमिता. ये जीशान भाई आके बताते हैं. लेकिन आज एपिसोड की शुरुआत हुई वेक अप से सारे हल्का है एंड गाइस यहाँ पे शमिता कहती है अक्षरा जी मैं माफी मांगती हूँ कल मैंने आपके साथ जो भी किया. तो इतना बड़ा ड्रामा होने के बाद शी इज टेलिंग शी हैड अ मोमेंट यस्टरडे. दोनों यहाँ पे गले मिल जाते हैं. अब गाइस यहाँ पर आपने दो महिलाओं को गले मिलते हुए देखा होगा. यहाँ पर जब दो महिलाएं गले मिलती है तब उनके ऊपर जो एक आदमी चढ़कर गले मिलता है उसे कहते हैं कोई फरियाद. तुम्बिन ने आज क्या रोया है भाई, अल्टीमेट ड्रामा किया तुम्बिन ने. आज आएंगे तुम्बिन पे भी आएंगे, ये दिल आशिकाना उस पे भी आएंगे. उसे तो कांड किया है भाई. मतलब वो ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे कि वो मतलब फुल हल्क होगन है, माचो मायने जाके पेलने वाला है किसी को. जबकि वो हंगामा का अक्षय करना है. वो मारना, तू हाथ लगाना, मैं तू मारना, उस पर आएंगे अभी बाद में. अब कहीं जब तुम्बिन जाकर दोनों का डबल हक करता है. बाटा टाटा टू ग्रुप. जीशान कहता है टाटा यानी कि नेहा भसीन, शमिता गावा एंड जीशान प्रिविलेज क्लास. नेहा कहती है प्रतीक व्हाई यू टोल्ड बाटा एंड टाटा, तुमको शर्म नहीं है सब बोलने के लिए. प्रतीक बोलता है जोक था, इट्स नॉट अबाउट योर स्टेटस इनसाइड द हाउस, टेक इट एज अ जोक. प्रतीक कहता है मूस तुमने मुझे क्यों कहा कि तुम मुझे चप्पल मारोगी. मस्ती मजाक में सब वहां पर लौंडे जिम कर रहे थे लेकिन ये दिल आशिकाना वहां पर जिम नहीं जिम कर रहा है. क्योंकि वो जिम करता है और उसके बाद इतना खाता है कि वापस से वो जिम बन जाता है. अब गाइस ये खत्म होता है और उसके बाद सब लोग ये बताते हैं कि निशान जो आदमी है इस घर में वो सबको यहाँ पर चाबी मार रहा है. करण कहता है कि रिद्धिमा को सब लोग टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं. कल झगड़ा हुआ वो सबको लग रहा है कि रिद्धिमा को प्रतीक टारगेट कर रहा था, ना ही कि रिद्धिमा प्रतीक को टारगेट कर रही थी. मूस जट्टाना ने एक रैप बनाया है इस घर में, बहुत जबरदस्त है. वापस से रिप्ले देखूंगा एपिसोड का और रैप देखना पसंद करूंगा. नेहा यहाँ पे प्रतीक और निशान को सांप कहती है एंड नेहा बोलती है कि प्रतीक फेक है. निशान यहाँ पर नेहा को नेवला बुलाता है. जीशान कहता है कि दिव्या वो देखो बाटा ग्रुप बन गया है वहां पर, तुम हमारे टाटा ग्रुप में आ जाओ. अब दिव्या यहाँ पर अलोन रहेगी तो वो भी उर्फी की तरह निकल जाएगी यहाँ पर. शी इज नॉट टू बी सीन इन द शो एट ऑल आफ्टर व्हाट करण जोहर हैज टोल्ड. उसने उसका पूरा डिमोटिवेशन कर दिया है. आई थिंक उसको अभी वेकअप होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए. अब गाइस वो कहता है कि देखो बाटा ग्रुप में कितनी यूनिटी है. हाँ निशान हमारा ग्रुप ब्रेक कर रहा है, तुमको भी हमारे ग्रुप में आ जाना चाहिए. वी शुड ऑल यूनाइट, समझ में आया तुमको. दिव्या कहती है मुझे कोई ग्रुप में नहीं रहना, समझ में आया, मुझे कोई ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना. एंड वो कहती है कि नेहा तुम जब तुमको पता है कि यू नो मैं कहाँ मैं कौन हूँ, तुम जानती भी नहीं मैं कौन, तुमको मेरे ग्रुप में क्यों रहना है तुमको. तो नेहा बोलती डू व्हाटएवर यू वांट टू थिंक. दिव्या बोलती ठीक है तेरे को भी शान पट्टी लगी है, मेरे को भी शान पट्टी लगी, मैं तो ग्रुप में रहना ही नहीं है मेरे को. अब गाइस यहाँ पे प्रतीक जो है वो देखो करेक्ट था, तुम्बिन कैप्टन है घर का. अब शमिता वहां पर रोज बाथरूम में एक कप छोड़कर जा रही है, उसके अंदर जो भी भरा हुआ हो, पानी हो, कॉफी हो, फलाना ढिमका हो. लेकिन गाइस यहाँ पर प्रतीक का फर्ज है कि वो कैप्टन को बोले कि वो कप छोड़कर गई. क्यों कैप्टन के लिए अलग रूल होना चाहिए एंड आम लोगों के लिए अलग रूल होना चाहिए. हाँ ये बस इतना बोलता है देखो प्रतीक ने प्रतीक शमिता का जो कप है वहां पे रखा हुआ है तुम्बिन को बोलता है. तुम्बिन बोलता है डोंट टेल मी. तो किसको बोलेंगे भाई, तू कैप्टन है घर का. तुम्बिन यहाँ पर फुल मलाई पोंग खाने के लिए, उसको गेम खेलने का जरा भी मन नहीं कर रहा. ही इज लीस्ट इंटरेस्टेड इन दिस गेम. अब गाइस यहाँ पे निशान कहता है कि मैंने यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं बनाया, क्योंकि दिव्या को निशान ने बोला कि निशान ग्रुप बना रहा है. अब अगर निशान कहता है मैंने तो ऐसा कोई ग्रुप ही नहीं बनाया, मुझे डर्टी गेम्स खेलने की जरूरत ही नहीं है. बिग बॉस बुलाता है भैया तुम्बिन जरा अंदर आ जाइए, हमारे कैबिन में आ जाइए तुम्बिन, जल्दी आ जाइए चलिए. तो कहते हैं देखियो भैया तुम्बिन
बाहर सब लोग रूल्स ब्रेक कर रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, भैया इसीलिए आपको घर में बुलाया है क्या? तुम बिन बोलता है, सर अगर कोई रूल ब्रेक करेगा तो क्या मैं उसको दंड दे सकता हूँ? बिग बॉस कहता है, अरे भाई पागल, तू कैप्टन बना है साले, तुझे जो करना है कर, दंड देना है दंड दे, ये भी मुझसे पूछेगा क्या? हट। प्रतीक कहता है, तुम बिन देख वापस शमिता कप वहां पे रखा है, हाँ तो कैप्टन रूल ब्रेक कर सकता है, हाँ हम लोग को तुम लोग आके भाषण देते हो। तुम बिन बोलता है, बिग बॉस ने अंदर मुझे बोला है जो रूल ब्रेक कर रहे हैं उस पर सख्त कार्रवाई कीजिए। इसमें प्रतीक बोलता है, अच्छा तो कब हटवा पहले सबसे ज्यादा जाके। अब गाइज यहाँ पर शमिता और प्रतीक के पीछे भिड़न हो जाती है। शमिता ने इतनी ओवर एक्टिंग की, प्रतीक के मुंह पे आके कहती है, हाँ कप इज फुल 10 बार उसके मुंह पे चिढ़ाती है गाइज यहाँ पर। एंड प्रतीक उससे एक ही बात बोलता है, कप हटा लो। उसने यहाँ पे कुछ भी ऑफेंसिव नहीं किया। तुम बिन वापस आके प्रतीक पे चढ़ जाता है, दिल आशिकाना भी आके प्रतीक पे चढ़ जाता है। दोनों यहाँ पे प्रतीक को वापस से गैंग अप करने की कोशिश करते हैं। प्रतीक कहता है, अच्छा कप खाली भरा हुआ था ना, हाँ उसके अंदर था ना, तो मैं भी एक काम करता हूँ, मैं भी एक कप लेता हूँ, उसके अंदर पूरा पानी भर के पूरे गार्डन में बिछा देता हूँ, मैं भी बोलूंगा कि इसमें पानी भरा हुआ था, मैं पीने वाला था। शमिता यहाँ साइको की तरह प्रतीक के मुंह पे उसको चिल्लाते जाती है। एंड गाइस यहाँ पर नेहा रिद्धिमा को अलग भाषण दे रही है। नेहा रिद्धिमा को बोल रही है, तुम गालियां मत दो, फक यू मत बोलो, तुम ऐसा प्रतीक को चीजें मत बोलो। एंड गाइस यहाँ पे तुम भी उनको इतनी बात सुना देता है प्रतीक कि तुम भी आके बोलता है कि प्रतीक तो एक नंबर का चूतिया है ये, हाँ वो गंदा कप नहीं है, उसमें शमिता का गर्म पानी रखा था, शमिता वो गर्म पानी जो है वो आके पीने वाली थी। तो बाय लॉजिक ऑफ तुम बिन, कोई भी इंसान पानी रख दो वहां पर एंड छोड़ के चले जाओ। तो एक आदमी तुमको बोले कप उठाने के लिए वहां पे, तुम उसी पर चढ़ जाओ। हाँ 30 मिनट से वो कप वहां पे रखा था। प्रतीक सहजवाल एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड निशान कहता है, तुम बिन तेरी शक्ल देख और चीजों पे स्टैंड लेने की कोशिश कर। आज पता चला कि तुम बिन और निशान की दोस्ती बाहर 15 साल से है। तुम बिन निशान से मराठी में भी बात करता है, ये मुझे पता नहीं था। एंड गाइस यहाँ पर अब फुल ऑन एक दूसरे पे प्रतीक एंड शमिता आ रहे। प्रतीक कहता आगे मत बढ़ो, शमिता बोलती क्या करेगा। राकेश यहाँ पर जाता है निशान के पास, कहता है, अरे मेरे से झगड़ा मत कर, मैं तो तेरा दोस्त हूँ, फालतू में मेरे पे क्यों चढ़ रहा है? अब गाइस शमिता के पास सीरियस माइंड इश्यूज है, ये तो आज झगड़े में पता चल गया। सब लोग जितने भी लोग थे टाटा गैंग के, वो सारे के सारे लोग अक्षरण प्रतीक पर चढ़ गए। शमिता कहती है, यू नॉट वर्थ माई टाइम, नॉट वर्थ माई स्पेस, यू डू योर फकिंग थिंग, समझ में आ गया? मूस यहाँ पे उदास है, रोना शुरू कर देती है कि निशान का झगड़ा यहाँ पर राकेश के साथ हुआ। नेहा कहती है, अक्षरा तुमने उस दिन क्या कहा, तुम्हारे पास 5-5 नौकर है, हाँ तुमने हमको जताया कि तुम कितनी महान हो, मेरे पास तो नौकरानी ही नहीं है, मेरे पास ये हमीदा आपा है जो मेरी कुक है, खाना बनाती है, शी इज माई फैमिली। हाँ अक्षरा तुम डरपोक हो, कावड़ हो, समझ में आ गया? ये सब झगड़ा चल रहा है, प्रतीक की सुई वहीं पर अटकी हुई है। शमिता कप उठा लो, जो काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। शमिता कहती है, अक्षरा सिर्फ तुम्हारे पास ही सरकार है, ये सारे झगड़े में दिल आशिकाना वहां छोले की गाड़ी लगा के खड़ा था एंड तुम भी वहां पे कुलचों की गाड़ी लगा के खड़ा था। दोनों कुछ नहीं कर रहे, एक दूसरे का मुंह देख रहे, वो ये कोने से मुंह देख रहा है, उसका वो एक दूसरे के मुंह से कोना देख रहा है, मतलब क्या करने आ रहे तुम लोग इस घर में? हाँ अब गाइस जीशान का एक ही काम है इस घर में, ऐसा कर देखा, अरे का बगल सुखाने के लिए आया क्या घर में सब लोगों को? कुछ भी नहीं कर रहा है वो। हाँ अपेरेंटली अक्षरा बोलती ईश्वर ईश्वर कह रही थी, तो ईश्वर कहने पर उनको ये लग रहा है कि वो ड्रामा कर रही है। नेहा एंड गाबा इसके बीच में झगड़ा करना शुरू कर देते हैं एंड बिग बॉस बोलता है, भैया बहुत हो गई चौधरी तुम्हारी, चलिए आइए आज का टास्क शुरू करते हैं। एंड आज पंचों का टास्क होने वाला है, कौन है सबसे कमजोर? गाबा एंड नेहा कहते हैं, हम कमजोर नहीं है, प्रतीक एंड अक्षरा कमजोर है। दिव्या एंड जीशान कहते हैं कि प्रतीक एंड अक्षरा कमजोर है। प्रतीक कहता है कि मिलिंद एंड नेहा को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो कमजोर है। प्रतीक एंड अक्षरा कहते हैं, हम तो अपना स्टैंड लेते हैं। दिव्या कहती है कि मैं और जीशान भी एकदम स्ट्रांग है। एंड यहाँ पर जीशान एंड प्रतीक के बीच में झगड़ा हो जाता है, तू क्यों बोला बीच में। एंड प्रतीक यहाँ पे बॉटल उठा के फेंक देता है जिससे उसका हाथ कट जाता है यहाँ पर। एंड गाइज यहाँ पर दिव्या जो है वो बोलती है कि तूने भैनचोद क्यों बोला। प्रतीक वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग, उसने जीशान को भैनचोद बोला, लेकिन प्रतीक कहता है कि उसने जीशान को नहीं बोला, झगड़ा हो रहा था, उसने यहाँ पर इन जनरल जो है वो यहाँ पर उसने गाली दी। लेकिन रिद्धिमा कहती है कि कहाँ कहाँ से आ जाते हैं लोग इस शो में, रिद्धिमा कैसे आउटसाइड रह सकती है?
उसका भी यहाँ बीच में बोलना तो बनता ही है। वो कहती है कि अरे हिम्मत है तो मेरे से लड़ना, इंस्टिगेट कर रही है प्रतीक को। एक लड़की लड़के को इंस्टिगेट करे तो कुछ नहीं, लड़का कर रहे तो बहुत महाभारत हो जाती है। हाँ प्रतीक आपको कहता है कि मेरा हाथ कट गया, अक्षरा कहती है चल मैं तेरा हाथ पे बैंडेज लगा देती हूँ। रिद्धिमा अगेन इंस्टिगेट्स प्रतीक एंड कहती है अल्लाह मम्मी गई है इसको हाथ में यू नो ड्रेसिंग करने के लिए। रिद्धिमा कॉल्स प्रतीक इवल माइंडेड। अक्षरा कहती है घर में एक आदमी का दिमाग गर्म होता है, एक आदमी का दिमाग सही होता है, ऐसी जोड़ियां आगे बढ़ती है, तो हम लोग यहाँ पर वीक नहीं है। तो तीन वर्ड्स अक्षर एंड प्रतीक को आते हैं एंड बाकी का एक वर्ड मिलिंद और नेहा को आते हैं। अब गाइस शमिता एंड राकेश कहते हैं कि अक्षर एंड प्रतीक, लेकिन मूसन निशांत को और नाम लेते हैं। दोनों के बीच में टाई हो जाता है, दोनों को डिसीजन ले नहीं सकते एंड रिद्धिमा वापस प्रतीक पर चढ़ जाती है। कहती है कि तू लूजर था स्कूल में, बुली हुआ स्कूल में, इसलिए तू यहां पर सबसे अपना ग्रज निकाल रहा है, सबसे बड़ा चाटू है तू, मेरे फैंस मुझको सपोर्ट कर रहे हैं, समझ में आ गया। प्रतीक कहता है कि तू मेरी फैमिली पर गई, तो रिद्धिमा कहती तू दूसरों के फैमिली पर जाएगा तो सही है, लेकिन कोई तेरे फैमिली पर आएगा तो तेरे को बुरा लगता है। हाँ शमिता कहती है बिग बॉस दोनों के नाम डिफरेंट है, हम लोग कॉमन ग्राउंड पर नहीं आ सकते हैं। बिग बॉस कहता है भैया हम भी कॉमन ग्राउंड पर नहीं आ सकते, हम तो कॉमन ग्लास में पी रहे हैं बैठ के, मैं और नज बलिए पक सला, तो आप लोग अपना डिसीजन ले लीजिए। तो अब गाइज यहाँ पे आते हैं तू जानती नहीं तू मानती नहीं, गाबा आज इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहा था, मैसिवली फेल्ड। एंड यहाँ पर राकेश भी मान जाता है मूसन निशान के साथ डिसीजन चेंज करने के लिए। तो अब गाइज गाबा कहता है तुम बिन यू आर सोल्ड आउट, हाँ शट योर माउथ, तू ऐसा दल बदलू निकलेगा मेरे को नहीं मालूम था। यहाँ पर मूस गावा से कहते कि आप बीच में मत आइए, बीच में मत बोलिए, तो गावा यहाँ मूस पर चढ़ जाता है, कहता है चच्चा माउथ। अबे कौन सी भाषा में चच्चा माउथ बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट है क्या ये? हाँ यहाँ पर दिल आशिका ना जैसे कि वो कुछ करता नहीं, शमिता कहते चाय लाने का काम करता है। तुम बिन कहता है बिग बॉस इट्स अ टाई मैं क्या करूं। हाँ इसी दौरान प्रतीक यहाँ पे कहता है तुम बिन तेरे डिसीजन लेने की क्षमता है ना कुछ भी नहीं है, यू आर सीरियसली स्पाइनलेस। यस करण जोहर अगर राकेश को स्पाइनलेस बुलाता है समझ में आता है, वो शो का होस्ट है, इज गिविंग एन परस्पेक्टिव। वही वर्ड को यूज करके यहाँ पर पूरे के पूरे शो में उसको टीज करना, हैकल बुली करना ये सही नहीं है। एंड यहाँ पर राकेश को बहुत बुरा लग गया कि यहाँ पर प्रतीक ने उसको वो कहा स्पाइनलेस का, एंड इसी का कारण है तुम्बिन हैड अ ब्रेकडाउन। तुम्बिन ने कहा यू आर अ बफून, यू आर अ फकिंग चाइल्ड प्रतीक, आई हैव नेवर सीन लाइक अ फकिंग चाइल्ड लाइक यू बिफोर, हाँ एंड डोंट कॉल मी स्पाइनलेस अगेन। बहुत गुस्सा हुआ, सब यहाँ पे मिलके प्रतीक के ऊपर गैंग अप कर लिए। एंड उसके बाद मूस जो है मूस यहाँ पर बराबर स्टैंड ले रही हो, बंदी फायर है मेरा भाई। पहले दिनों काफी इरिटेटिंग एंड एडी लग रही थी, लेकिन मूस यहाँ पर दिल आशिका, और सबसे पहली बात है जब भी कोई लड़की का झगड़ा होता है दिल आशिका ना कुछ समझ में आता नहीं, उसको पता नहीं क्या गलत है क्या सही है, कूद जाता है प्रतीक के ऊपर चढ़ने के लिए। वापस से चढ़ रहा है प्रतीक के ऊपर, मूस ने कहा दिल आशिका ना जस्ट कीप क्वाइट, मैं बात कर रही हूँ ना प्रतीक से, अपनी नाक बीच में मत डाल, समझ में आ गया। दिल आशिका ना क्या बोला पता है, ए मेरी औरतें मैं तुमसे बात नहीं करता, वो बोल रहा है कि मैं औरतों से बात ही नहीं करता। और मूस हंस रही है बात सुन के, और मूस इतने फ्लो में थी कि रिद्धिमा ही प्रतीक से झगड़ा कर रही थी, तो रिद्धिमा को भी दो तीन बात सुना दी। अब गाइस यहाँ पर करण इतना ही नहीं किया, करण उड़ गया और भागते भागते आ रहा है, दिल आशिकाना ये दिल आशिकाना मारने के लिए आ रहा है, किसको प्रतीक सहजपाल को मारने के लिए आ रहा है, उसके बाद मूस को मारने के लिए जा रहा है। अरे हैव यू लॉस्ट योर माइंड मैन दिल आशिकाना, आर यू क्रेजी। इतना ही नहीं सोफे के ऊपर जंप मार के मारने के लिए जा रहा है उसको प्रतीक सहजपाल को। हाँ इतना ही नहीं तो रिद्धिमा भी चढ़ गई प्रतीक के ऊपर, रिद्धिमा बोल रही है प्रतीक तू सीक्रेट आदमी है तू घर पे मर जा। ये शो ब्लॉकबस्टर जा रहा है गाइस, मेरे बोलने में आपको इतना एक्साइटमेंट आ रहा है, विल वॉच द शो विल गो क्रेजी। अब गाइस वाकई में क्या राकेश स्पाइनलेस है या नहीं, ऑब्वियसली है। शमिता के साथ डिसीजन जो लिया वो चाहता तो शमिता को बोल सकता था कफ हटाने के लिए, नहीं किया। यहाँ पर पंचो और दोनों के बीच में कॉमन ग्राउंड ले सकता था, नहीं लिया, तो उसको स्पाइनलेस बोलना भी मुझे गलत नहीं लगा, लेकिन एक बोलने का तरीका होता है। प्रतीक रोना शुरू कर देता है कि सब मेरे पे गैंगा पो रहे हैं, रोना शुरू करता है। मूस निशान अक्षरा सब प्रतीक को यहाँ कंसोल करते हैं। मूस कहती है कि करण तो मेरे को मारने के लिए आ गया था, मुझे तो हंसी आ गई देखकर। रिद्धिमा फिर से शुरू हो जाती है झगड़ा करने के लिए प्रतीक के साथ। हाँ कहती है अच्छा रोना आ रहा है बेटा आज तुझे, कल जो मेरे साथ किया आज तेरे साथ खुद के साथ हो रहा है तो रोना आ रहा है। बिग बॉस कहता अरे यार बॉटल खत्म कर दिए मैं और नज बलिए, लेकिन तुम लोग का डिसीजन नहीं आया, दिमाग की माँ बहन कर ली है। नज बलिए कह रहा है अरे हमको बोलने दीजिए, ए साला तुम पागल लोग पूरा घर नॉमिनेट कर देंगे भाग साला। तो बिग बॉस कहता है कि पूरा का पूरा घर जो है वो नॉमिनेटेड है। राकेश एंड शमितिया की जो इम्यूनिटी थी जो उनको मिली वो भी उनके हाथ से चली जाती है। अब राकेश शुरू करता है अपना इमोशनल कार्ड प्ले करना।
राकेश कहता है मैं एक मिलिट्री मैन सन हूँ, यानी कि मैं एक जवान का बेटा हूँ जिन्होंने देश के लिए यू नो कई सारी जंग लड़ी है, हाँ, एंड मैं यहाँ पर ये सब चीजें के लिए नहीं आया हूँ, दिस इज नॉट माई अपब्रिंगिंग। करण यहाँ पे आके तुम भी उनको मनाता है, पुचकारता है कि प्लीज मत रो यार, ऐसा होता रहता है, ये तो एक शो चल रहा है, क्यों रो रहा है तू, लेकिन तुम भी मानता नहीं हो, कहता है पापा देश के लिए लड़े हैं, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, एंड तुम भी बहुत रोता है। उसके बाद गाइस प्रतीक जो है वो यहाँ पर जीशान जो है, अभी तुम लोग मस्ती देखो लड़के की, जीशान जाता है प्रतीक से गले मिलता है, उसके बाद जीशान उसी मोमेंट ना बाथरूम जाता है ना किचन जाता है, वापस करण बापट के पास जाता है, उसका नाम भूल गया मैं, तुम्बिन के पास जाता है एंड तुम्बिन को भी मनाता है, अगर डबल ढोकला देगा तुम लोगों ने, और उसके बाद वापस से जीशान जो है वो प्रतीक के पास जाता है, उसको मनाता है जाकर। शमिता कहती है ओले तुम्बिन यू आर क्लाइंग, यू कैन हैव माई चॉकलेट मूस। दिल आशिक कोई लड़का, जस्ट इमेजिन तुम लोग बैठे हो कहीं पर भी, कोई लड़का आया और तुम्हारे गुड़ लेकर आया तो कैसा लगता, दिल आशी गाना तुम भी इनके लिए गुड़ लेके आया, गुड़ खा ले तू। अब निशांत रोना शुरू करता है, कहता है यार मैं तुम भी इनको रोता हुआ नहीं देख सकता हूँ, मेरा 15 साल का दोस्त है। प्रतीक कहता है कि चल तुम भी इनसे बात करते हैं, तो प्रतीक छोटा रहे जाके झुक जाता है तुम्बिन के सामने, कहता है मुझे माफ कर दो, मैं तुमको और करण को रिस्पेक्ट करता हूँ, हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। तुम्बिन कहता है मैं शो में कम्पीट करने के लिए नहीं आया हूँ, आपको शो मुबारक हो, आज का रिपोर्ट कार्ड यहाँ पे बहुत अच्छा है, 1 घंटा यहाँ हो जाता है, 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया है, जबरदस्त और एंटरटेनमेंट लो तुम लोग 7 से 8:30 बजे। अब गाइस वो कहते हैं ना आज रात का सेशन, भाइयों बहनों आज रात का आपा की क्लास शुरू होती है, नेहा आपा लेट्स स्टार्ट। वो हर रात को शमिता शेट्टी एंड नेहा बसीन आज टू सच वुमन, सेल्फ ऑब्सेस्ड वुमन हु जस्ट वांट टू प्रूव देयर पॉइंट राइट, रात को पूरी सभा बना के लड़कों को टॉर्चर। अरे हम लोग को मत सुना वो दोनों का भाषण, नहीं मजा आता है शमिता का और नेहा का भाषण सुनने के लिए। वापस से नेहा उसका टॉर्चर सेशन शुरू करती है, गाबा को पेल रही, गाबा के जितने सर पे बाल बच्चे सब उड़ जाएंगे नेहा आंटी के चक्कर में। एंड राकेश यहाँ पे कहता है निशान तेरे को अगर कोई बोलता ना तो मैं उस पर चढ़ जाता, देखा भाई कितना तू चढ़ रहा था उसके ऊपर, हाँ मतलब तो इतने साल से दोस्त थे हम लोग, क्यों ऐसा कर रहा है। एंड इसके बाद वो चीज तो देख के आंख फिनाइल से भी धोए तो नहीं ठीक होती, प्रतीक एंड रिद्धिमा जो कुत्ते बिल्ली के साथ झगड़ रहे थे वो दोस्त बन गए। रिद्धिमा कहती है तूने कल मुझे बोला दवाई ले ले, आई टेक टैबलेट फॉर माई हॉर्मोन, दैट्स माय ट्रिगर पॉइंट, अगली बार मत बोलना, दोनों हक करते हैं। अरे यार प्रतीक की पर्सनैलिटी ऐसी है, हर लड़की उसको झप्पी मारना चाहती है, इट्स अ चिक मैग्नेट मैन। एंड रिद्धिमा वही करती है, गले लग जाती है। अब गाइस जीशान एंड गाबा वो कहते हैं रात को टफरी होने का कट्टे हो बैठ के टाइम पास करते हैं, बोलते देखो आज क्या सबकी दोस्ती चल रही है, ना बाटा ग्रुप ना टाटा ग्रुप, सब लोग नॉमिनेट हो गए ना तो सब दोस्त बन के घूम रहे हैं। अब गाइस ये सब हो जाता है एंड शमिता दिव्या के पास, तुम भी राग को मांडवली करने की कोशिश करता है, बोलता है दिव्या कम योर, तुम शमिता से बात करना चाहती थी ना, बोलो क्या बात करना चाहती हो। दिव्या कहती है नो आई डोंट वांट टॉक, शमिता अपना भाषण शुरू करती है, नेहा वहां भाषण दे रही है, शमिता भाषण दे रही है, आई एम 21 ईयर्स सीनियर टू यू, दिस ब्ला ब्ला ब्ला। दिव्या बोलती है ऑल दिस ना कीप इट टू योर सेल्फ, आई डोंट वांट टॉक टू यू, मास्ट जवाब देके वहां से चले जाती है। एंड गाइस यहां पर शमिता नेहा ये दिव्या के पास जाते हैं, दिव्या बेचारी सोफे पे बैठ के रो रही थी लेकिन दिव्या तब भी उनकी अपोलॉजीज मांगती नहीं है एंड रोते रोते रूम में भाग जाती है। एंड वहां पर आज का एपिसोड समाप्त होता है। यह सो मच का एपिसोड आपको पसंद आया होगा, बहुत जबरदस्त चल रहा है बिग बॉस का ये OTT। एंड जब ये सारे के सारे कंटेस्टेंट जितने भी जाएंगे सलमान खान के साथ और मजा आएगा। ओके गाइस एपिसोड पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बटन दबाइए। ओके ऐसे ही मजेदार बिग बॉस के रिव्यूज देखने के लिए इसमें आमिर अंसारी साइनिंग ऑफ, यू कैन सी मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज स्टे कूल मैन, गुड नाइट।